नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे मोदी जी को और राहुल जी को दोनों ही को उनके जीत पर बधाई देता हूँ। यही राजनीति है। राजनीति का मतलब होता है राज करने की नीति। मैं बधाई देता हूँ मोदी जी को, जिनकी पार्टी बीजेपी ने 241 सीट पर जीत हासिल की। यानी कि अगर देखा जाए तो देश के 543 सीट में से 241 सीट पर जीत हासिल करना, यानी कि नंबर वन होना, बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं बीजेपी के सभी जीते हुए सांसदों को और मोदी जी को और सभी कार्यकर्ताओं को ढेर सारी बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ राहुल जी को, जिन्होंने लगभग 98 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे पहले तो मैं जीतने वाले को बधाई दूँ, क्योंकि हार्ड वर्क पेज मेहनत रंग लाती है। मेहनत तो इन दोनों ने जरूर किया है। इसके अलावा जिन जिन लोगों ने भी जीत हासिल की, उन सभी को जीत पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जो जीत नहीं सके, उनके लिए यही कहूंगा, राजनीति को समझने की और कोशिश करें। राजनीति एक ऐसा विषय है जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। और ये आज 4 जून का वो दिन आ गया जिसका हम सबको इंतजार था कल तक। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा निराशा हुई है, वो हुई है एग्जिट पोल को लेकर के। मेरे जीवन के 2 दिन खराब हो गए एग्जिट पोल को देखने में। एग्जिट पोल को मैं पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा था, और जिस तरह की वो आंकड़े दिखा रहा था कि बीजेपी 401 और भी दूसरे दूसरे आंकड़े, ये 3 दिनों तक जो हमने एग्जिट पोल देखा, उसको देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। मुझे लग रहा कि एग्जिट पोल कोई बहुत ही निराधार तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसका आधार भी मजबूत नहीं है। शायद मैं अगले किसी भी इलेक्शन में एग्जिट पोल पर समय नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि कल जब मैं एग्जिट पोल देख रहा था, बस एक ही बात फ्लैश हो रहा था टीवी स्क्रीन पर कि बीजेपी 405, 401, 372 और क्या क्या, जबकि बीजेपी को मिला सिर्फ 241 सीट। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो बधाई की बात। और मैं मोदी जी से इसलिए भी प्रभावित हूँ कि जो जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में भारत को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी संभाला है, ये बहुत बड़ी तारीफ की बात है। मैं फिर से कह दूँ, कोरोना काल में ऐसा लग रहा था जैसे कि दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, भारत के लाखों करोड़ लोग मारे जाएंगे। उस अवस्था में, दयनीय अवस्था हो गई थी कोरोना काल में, लोग अपने घर से निकलना बंद हो गए थे। उस समय पूरे देश में या विदेश में भी मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराना मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके लिए मैं तो क्या पूरी मानव जाति उनका हमेशा आभार प्रकट करती रहेगी, क्योंकि कोरोना काल से निकलना और मुफ्त में वैक्सीन सबको मुहैया कराना बहुत बड़ी बात है। अगर वो वैक्सीन का कुछ कीमत भी रख देते 100-200, तो सब कोई देने को तैयार हो जाता, क्योंकि जान की कीमत उससे कहीं ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ, उन्होंने कोरोना काल से इस संकट से पूरे देश को निकाला। वो जो उनकी नीति थी, उनके काम करने का तरीका था, मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात है। और उन दिनों उन्होंने राशन भी डबल मात्रा में मुफ्त कर दिया था, यानी कि 2 महीने का राशन सभी को उन दिनों मुफ्त दिया जा रहा था, बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात जो हम सभी जानते हैं वो ये था कि 500 से अधिक वर्षों से जो राम मंदिर का मामला जो रुका हुआ था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके अलावा मैं उनकी प्रशंसा में और भी क्या कहूँ, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज अगर 543 सीट में से 241 सीट पर भाजपा अगर जीत हासिल की है, कुछ तो बात है। और उसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे आदरणीय मोदी जी, और धनबाद से भी आदरणीय ढुल्लू महतो जी, 3 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, उनको भी मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। अब धनबाद का भविष्य, आने वाला कम से कम 5 साल उनके हाथ में है, और धनबाद के विकास के लिए वो बहुत कुछ करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो एक बार फिर से आदरणीय ढुल्लू महतो जी को और उनके टीम को, उनके कार्यकर्ताओं को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, और उनको भी जिन्होंने उनको वोट दिया और उन पर विश्वास किया। दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा था कि देश में जनता का जो फैसला था, कहते हैं ना जनता जनार्दन है, जनता का जो भी फैसला होता है उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए, और सभी ने स्वीकार किया। अगर राहुल जी को भी देखा जाए तो उनकी स्थिति पहले से बहुत ही अच्छी हुई। इससे पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी, उससे बहुत ही मजबूत हो गई है कांग्रेस की स्थिति। और मैं राहुल जी को भी यही कहूँगा कि अगर देश के विषय में आप अच्छा सोचते हैं तो जनता को और क्या चाहिए, देश का भला करें, देश की जनता का भला करें,
यही आशा मैं राहुल जी से भी करता हूँ। और बचपन से ही, जो कि हम दोनों लगभग समकालीन हैं, 1972 के वो हैं, 1977 का मैं हूँ, ऐसा ही कुछ है, उनके प्रति हमारे मन में शुरू से ही सम्मान रहा है। और क्या क्या लोग सोचते रहे हो उनके बारे में, लेकिन आज राहुल जी ने सफल होकर के बहुत भारी मतों से, लगभग 3-4 लाख वोटों से राहुल जी की जीत हासिल होना बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ मोदी जी को 1-1.5 लाख के आसपास वोटों से उनकी जीत हुई। बड़ा अजीब बात है कि काशी विश्वनाथ मंदिर उन्होंने बनवाया, गंगा नदी पर जो भी उन्होंने काम किया, बड़ी आसानी से एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, वरना मोदी जी की जीत 7 लाख 8 लाख 10 लाख वोटों से हो सकती थी। स्वयं उत्तर प्रदेश में देखिए, अयोध्या में देखिए, जहाँ उन्होंने श्रीराम मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, अयोध्या से भी लोगों ने उनको अस्वीकार कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश से भी भाजपा को देखा जाए तो लोगों ने अस्वीकार कर दिया। जनता ने जो भी किया, जनता की का अपना निर्णय है, इस विषय में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक जनता है और जो कुछ भी हमें बोलने की जो स्वतंत्रता मिली है उसके आधार पर यही कह सकता हूँ, आज जो 4 जून जो भी निर्णय हुआ है और कल या 1-2 दिन के अंदर में जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनसे मैं यही आशा करूँगा हमारे देश की प्रगति होता रहे। लेकिन राजनीति के विषय में मैं एक बात आज जरूर समझ गया हूँ कि धर्म और अध्यात्म को राजनीति से जोड़ना पूरी तरह से सफल प्रयोग नहीं था। देखा जाए धर्म और अध्यात्म को राजनीति से जोड़ना एक असफल प्रयोग रहा मेरी दृष्टि में, ये मेरी अपनी राय है। अभी हाल में उन्होंने 2 दिन लगातार उन्होंने ध्यान साधना किया, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसको बिल्कुल निजी और गोपनीय रखना चाहिए था, वो उनका निजी मामला होना चाहिए था, इसे प्रचार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अध्यात्म और ध्यान, मैं ध्यान करता हूँ या कर रहा हूँ, इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए, वो आपका निजी गुण है, आपका निजी बैकबोन है, आपका आपकी निजी शक्ति है। खैर, और दूसरी बात जो धर्म की बात है, धर्म के लिए मोदी जी ने जो कुछ भी किया है, चाहे वो श्रीराम मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हो या माँ गंगे जो नदी के विषय में उन्होंने जो कुछ भी काम किया, उससे मैं यही कहूँगा अच्छा काम है, बहुत ही बढ़िया काम है, लेकिन धर्म और अध्यात्म को राजनीति से जोड़ना कोई सफलता का बहुत बड़ा कारण बनेगा ऐसा मुझे नहीं दिखा। लेकिन एक भला काम है, नेक काम है, उत्तम कार्य है, ये मैं जरूर कहूँगा। इसके साथ साथ राजनीति के विषय मेरी थोड़ी थोड़ी समझ अब बढ़ने लगी है, क्योंकि आज मैं सुबह 8 बजे से लेकर के अब तक मैं लगातार टीवी न्यूज़ से या मोबाइल न्यूज़ से जुड़ा हुआ था, अपने देश को समझने के लिए, अपने देश के राजनीति को समझने के लिए और जनता के रुझान को समझने के लिए। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा, जनता जरूर आशा करती है कि जो भी उनके प्रतिनिधि हो वो उनके विकास के लिए काम करें, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और रही बात काम करने का, अपना अपना एजेंडा होता है, अपना अपना तरीका होता है, आप पूरे 140 करोड़ लोगों को प्रभावित कर लेंगे इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने कई बच्चों से पूछा है, हिंदू और सनातनी के बच्चों से, कि श्रीराम चरितमानस में कितने कांड हैं, जरा नाम गिना दो, और वो लोग नहीं गिना पाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम धर्म पर काम करके 140 करोड़ लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हजारों में कोई एक धर्म के प्रति झुकाव रखते हैं, हजारों में कोई एक होता है जो अध्यात्म के प्रति, ध्यान के प्रति, मेडिटेशन के प्रति रुझान रखते हैं। अब हजारों में एक आदमी का वोट लेकर आप क्या करिएगा? मैं फिर से कह दूँ, आज का आदमी हो या कभी कभी आदमी हो, धर्म के प्रति रुचि, जब गौतम बुद्ध थे तब भी गौतम बुद्ध भी यही प्रश्न पूछते थे, कितने लोगों को मोक्ष चाहिए? शायद हजारों लाखों करोड़ों में एक आदमी को चाहिए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि धर्म पर काम करके, अध्यात्म पर काम करके हमें जनता का वोट मिलेगा ऐसा समझना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। राजनीति को का संबंध अब सीधा सीधा जनता और जनता की भलाई से है। आज मुझे ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही थी, कोई भी राजनेता हो, बस एक ही लक्ष्य आपके सामने हो, जनता की भलाई, देश का विकास। अगर आप इन दो चीज़ों को लेकर चल सकते हैं तो अधिकतम जनता आपके साथ है। और आज भी मैं कह सकता हूँ कि ये 241 सीट ला करके भाजपा ने एक बात तो साबित कर दिया कि देश की ये सबसे बड़ी पार्टी है जिसने बहुमत हासिल किया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है जिसने 98 सीट पर जीत हासिल की, और उसके अलावा बाकी सब अन्य पार्टियां भी रही। कुल मिलाकर 4 जून मंगलवार
मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल भरा दिन रहा, बहुत ही कठोर दिन रहा, और फिर भी बहुत जगह लोग जश्न मना रहे हैं, जिन्होंने भी जीत हासिल किया वो जरूर आज खुशियाँ मना रहे हैं। और लगभग कुल मिलाकर यही कहूँगा, जीत तो जनता की हुई है, जनता जनार्दन की हुई है। भारत के सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, धन्यवाद।